दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। आईएएस आईपीएस जिन्होंने शादी के लिए बदला राज्य, टीना डाबी के पहले पति जम्मू कश्मीर से नेताओं की रैली रोकने वाली राणा बंगाल गई, दो शादियां टूटी। राजस्थान कैडर में तैनात युवा आईएएस अफसर रिया डाबी ने करीब दो महीने पहले अपने बैचमेट महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर मनीष कुमार से शादी की थी। अब ठीक दो महीने बाद केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने दोनों को शादी का तोहफा दिया है। तीनों सरकारों ने रिया और मनीष की अर्जी पर सहमति देते हुए मनीष का कैडर राजस्थान कर दिया है। अब राजस्थान में दोनों एक साथ रह सकेंगे। रिया वर्ष 2021 बैच की अफसर हैं और वर्ष 2015 बैच की टॉपर व चर्चित आईएएस टीना डाबी की सगी बहन हैं। उनके पति आईपीएस मनीष कुमार की राजस्थान में नियुक्ति के आदेश केंद्र सरकार ने जारी कर दिए हैं। मनीष इस महीने के अंत तक राजस्थान ज्वाइन करेंगे। दोनों की मुलाकात लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में हुई थी। दोस्ती के बाद दोनों में प्रेम हुआ और शादी कर ली। ये इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मौकों पर राजस्थान आईएएस आईपीएस अफसरों की प्रेम कहानी का गवाह बना है। मसूरी में पहली बार मिले ये प्रेमी जोड़े राजस्थान में हुए एक। रिया डाबी की बहन आईएएस टीना डाबी वर्ष 2015 बैच की टॉपर रही थी। दूसरे स्थान पर टॉपर थे अतहर आमिर खान। टॉपर होने के कारण टीना की होम स्टेट कैडर राजस्थान और अतहर को उनका होम स्टेट कैडर जम्मू और कश्मीर मिला। वर्ष 2017 में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों की अर्जी को सरकार ने मंजूर करते हुए अतहर को राजस्थान कैडर अलॉट कर दिया। इसके बाद 2020 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद टीना ने 2022 में राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर प्रदीप गवाड़े से दूसरी शादी की। टीना अब जैसलमेर कलेक्टर हैं और प्रदीप बीकानेर में उप निवेशन आयुक्त के पद पर हैं। उधर आईएएस आमिर ने तलाक के बाद 5 साल के लिए फरवरी 2021 में डेपुटेशन पर अपनी नियुक्ति जम्मू और कश्मीर कैडर करवा ली थी। वे जनवरी 2026 तक वहां रह सकेंगे। इसके बाद उन्होंने वापस राजस्थान लौटना होगा। आमिर भी अपनी दूसरी शादी कर चुके हैं।